हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं तो आप देख रहे हैं मिस्टर इलेक्ट्रिशियन। सो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि आपको डबल बैटरी का इन्वर्टर को फिटिंग कैसे करना है। आज के इस वीडियो में आपको ए टू जेड सारी जानकारी देने वाले हैं और आप लोग सिखाने वाले हैं कि उसका आपको वायरिंग कनेक्शन कैसे करना है, जिससे कि आप लोग बिल्कुल आसानी से इन्वर्टर फिटिंग करना सीख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर हमारे पास डबल बैटरी का इन्वर्टर रखा हुआ, जिसको आज हम फिटिंग करने वाले हैं और आप लोगों को सिखाने वाले हैं इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे करना है। और यहाँ हमारे पास डबल बैटरी का इन्वर्टर का स्टैंड भी रखा हुआ है, जिसमें हम इन्वर्टर को फिटिंग करेंगे, जिसको ट्रॉली भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम फिटिंग कर लेते हैं, फिर आपको इन्वर्टर उसमें रख के और बैटरी का कनेक्शन सिखाएंगे कि आपको कैसे इसका डबल बैटरी का कनेक्शन करना है। ठीक है, तो चलिए इन्वर्टर को हम देख लेते हैं। यहाँ पर इन्वर्टर हमारे पास रखा हुआ, जो कि ये हमारा इन्वर्टर है और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 24x7। ठीक है, माइक्रोटेक का इन्वर्टर हमारा है, 24x7 मतलब 24 घंटे सातों दिन ये हमारा इन्वर्टर चलेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वर्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते, यहाँ पर मेंस का ऑप्शन है, ठीक है, यूपीएस का ऑप्शन है, चार्जिंग का ऑप्शन है, ठीक है, बैटरी सेविंग का ऑप्शन है, ओवरलोड का ऑप्शन है, बैटरी लो का ऑप्शन है। ठीक है, इतने ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर बीच में एक पावर बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, इसमें आपको दो वायर पीछे मिल जाएंगे, एक रेड और एक ब्लैक, और एक प्लग मिल जाएगा जो कि इसको चार्जिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत लोग उल्टा सीधा कनेक्शन कर देते हैं तो ये इन्वर्टर हमारा ऑन नहीं होता है, सिर्फ ये बैटरी लो का ऑप्शन दिखाने लगता है। ठीक है, अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से सीखना है ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से बैटरी का कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों बैटरी हमारे पास रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे एक्साइट कंपनी का बैटरा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैटरा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रॉली को यहाँ पर फिटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद ट्रॉली में हम इन दोनों बैटरियों को रखेंगे, उसके बाद इन्वर्टर कनेक्शन करेंगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है ताकि आप लोग भी कहीं पर भी हों और आप लोग इन्वर्टर बैटरी का कनेक्शन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। और इन्वर्टर फिटिंग करके आप लोग पैसे भी कमा सकते हैं, जो लोग इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोग अपने घर पर इन्वर्टर फिटिंग करना चाहते हो और इलेक्ट्रीशियन को न बुलाना चाहते हो, पैसे बचाना चाहते हो, ये वीडियो उन लोग के लिए भी है, वो लोग इस वीडियो को देख कर बिल्कुल आसानी से इन्वर्टर को फिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रॉली हमने यहाँ पर कम्प्लीट कर दी, इसके बगल में एक और लगा देते हैं, उसके बाद इसमें दोनों बैटरी को रखते हैं, फिर उसके बाद आपको इसको इसके कनेक्शन के बारे में आपको सिखाते हैं। ठीक है, इसी के बीच में हमारे दोनों बैटरी रखे जाएंगे, उसके ऊपर से हम एक ढक्कन और लगाएंगे, उसके ऊपर हमारा इन्वर्टर रखा जाएगा। ये जो हमारा ढक्कन आप लोग देखते हैं, इसके ऊपर हमारा इन्वर्टर रखा जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से अपने बैटरी को यहाँ इसके अंदर रखा लेते हैं, उसके बाद इसका कनेक्शन आपको करके सिखाते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग सीख लेंगे तो बिल्कुल आसानी से कहीं पर भी इन्वर्टर फिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, हमने दोनों बैटरी को बिल्कुल आसानी से इसको यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब आपको इस बैटरी का कनेक्शन कैसे करना है, इस बैटरी को आपको सीरीज में कनेक्शन करना है। ठीक है, बहुत लोग इसको पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, तो पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो ये हमारा ऑन नहीं होगा। ठीक है, हमको इन दोनों को 24 वोल्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 12 यहाँ पर वोल्ट का बैटरा होता है एक, तो इसको हमको 24 वोल्ट बनाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोग माइनस वाले को प्लस में लगाएंगे और यहाँ पर जो हमारा दो बचेंगे प्लस माइनस, उसमें हम यहाँ पर इन्वर्टर के दोनों वायर को लगाएंगे प्लस माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर हमने प्लस वाले को माइनस में लगा दिया है एक वायर को, और इसको अच्छे से लगाकर फुल टाइट कर देंगे। ठीक है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि प्लस माइनस में लगाने से यहाँ पर बैटरी में शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट कुछ नहीं होगा। अगर हम दो बैटरी को ज्वाइन करेंगे तो आप लोग प्लस माइनस में जोड़ सकते हैं, इसको हम सीरीज कनेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्लस वाले इसको माइनस में लगा दिया है और अच्छे से कनेक्शन यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट बचेंगे, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इन्वर्टर के वायर को हम फिटिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद ऊपर से हमने इस ढक्कन को रख दिया है, अब इसी के ऊपर अपने इन्वर्टर को हम रखेंगे और फिर इन्वर्टर कनेक्शन करेंगे, फिर आपको लाइन चालू करके पूरा समझाएंगे कि ये हमारा कैसे काम कर रहा है, कैसे आपको फिटिंग करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस ढक्कन को हम अच्छे से लगा देते हैं और यहाँ पर ढक्कन को लगाने के बाद इन्वर्टर को हमने इसके ऊपर रख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाले को माइनस में लगा देंगे और प्लस वाले को प्लस में लगा देंगे। ठीक है, जो ब्लैक वाला वायर होता है, ये हमारा माइनस का वायर होता है, इसको लगा देंगे हम माइनस वाले में, उसके बाद जो हमारा प्लस वाला वायर होता है उसको लगा देंगे प्लस वाले में। ठीक है, उसके बाद अपने इन्वर्टर को ऑन करेंगे, फिर हमारा इन्वर्टर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसको हमने लगा दिया है
और आपको जो इसके नट बोल्ट होते हैं इसको आपको चाबी से एकदम फुल टाइट कर देना, जरा सा भी आपको ढीला नहीं छोड़ना। अगर आप लोग ढीला छोड़ेंगे तो बार बार स्पार्किंग होगा और इसमें कार्बन जमेगा और हमारा ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है, और अच्छे से चार्जिंग भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एकदम अच्छे से चाबी के माध्यम से फुल टाइट करना है। इसको टाइट करने के बाद इसमें आपको थोड़ी सी ग्रीस लगा देना, ठीक है, या फिर आपको वैसलीन लगा देना ताकि इसमें हमारा कार्बन ना जमे, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों वायर को लगा दिया, जेड वाले वायर को लगा दिया जो कि हमारा प्लस वाला वायर है, और उसके बाद हमने यहाँ पर ब्लैक वाले वायर को भी लगा दिया जो कि हमारा माइनस का वायर है, ठीक है। अब हमारा इन्वर्टर कनेक्शन बिल्कुल आसानी से हो चुका है। यहाँ पर जो इन्वर्टर में प्लस माइनस निकला था उसका हमने कनेक्शन कर दिया 24 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर 24 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है, अब हमारा 24 वोल्ट डीसी यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब हम क्या करें, जो हमारी घर की लाइन का जो इन्वर्टर वाला वायर है उसको लगाएंगे इन्वर्टर के पीछे, क्योंकि ऐसे भी हमारा डायरेक्ट चल रहा था बिजली से, तो इसको इन्वर्टर के पीछे लगाएंगे, उसके बाद हमारी यहाँ पर लाइन चालू हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इन्वर्टर के पीछे लाइन को लगा दिया है। अब अपने इन्वर्टर का जो चार्जिंग वाला प्लग होता है इसको लगा देंगे चार्जिंग में, ठीक है। तो जैसे हमने इसको चार्जिंग में लगाया तैसे हमारी घर की सारी लाइट चालू हो चुकी है, और आप लोग देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर कनेक्शन बिल्कुल आसानी से हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही हमारा इन्वर्टर कनेक्शन होता है, डबल बैटरी का इन्वर्टर कनेक्शन ऐसे ही किया जाता है, और डबल बैटरी का इन्वर्टर ऐसे ही फिटिंग किया जाता है। बिल्कुल आसानी से आप लोग फिटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको इन्वर्टर वायरिंग या इन्वर्टर कनेक्शन सीखना कि आपको बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करना है, तो इस पर हमने एक फुल वीडियो बनाई है जो कि आप लोग जाकर हमारे देख सकते हैं और उसको लाइक कर सकते हैं, उससे आप लोग इन्वर्टर कनेक्शन करना सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा इन्वर्टर चालू हो चुका, मेन चालू हो चुका, यहाँ पर चार्जिंग चालू हो चुकी है और अच्छे से इन्वर्टर काम कर रहा है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी इलेक्ट्रीशियन वीडियो मिलती रहेंगी। आपको मैंने कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो देंगे।